एक तरफ जहां राज्य सरकार उपभोक्ताओं को निशुल्क खाद्य सामग्री दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राशन डीलर्स से भारतीय खाद्य निगम पैसा वसूल कर रहा है। बावजूद इसके राशन डीलर्स को इस पैसे की अब तक कोई भरपाई नहीं की जा रही। इसके विरोध में सोमवार को बाड़मेर जिले के सैकड़ों राशन डीलर्स ने बैठक आयोजित कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एक तरफ जहां राज्य सरकार उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्य सामग्री दे रही है, तो वही दूसरी तरफ राशन डीलरों से भारतीय खाद्य निगम पैसा वसूल रहा है। बावजूद इसके राशन डीलरों को इस पैसे की अब तक कोई भरपाई नहीं की जा रही है। इसके विरोध में सोमवार को बाड़मेर जिले के सैकड़ों राशन डीलरों ने बैठक आयोजित कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय महावीर पार्क में आयोजित बैठक में राशन डीलरों ने एक स्वर में कहा कि जब सरकार उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रही है, तो राशन डीलरों से पैसे किस बात के वसूले जा रहे हैं। राशन डीलरों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें लंबे समय से कमीशन नहीं मिल रहा, ऐसे में उनका घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। बैठक के बाद राशन डीलरों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूले गए पैसे वापस दिलवाने सहित 11 सूत्री मांगों पर विचार करने की मांग की। हमारी मांगे ये है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने आदेश किया है कि उपभोक्ताओं को निःशुल्क गेहूँ बांटना है, हम लोग उपभोक्ताओं को गेहूँ जो है बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, लेकिन खाद्य आपूर्ति निगम ने जनवरी माह के हमारा जो मतलब कमीशन था उसमें से राशि जो है वो वसूल पकड़ ली है। उसी संबंध में पिछले कम से कम एक वर्ष से हमें लेखा जोखा संबंधित स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से 2018 का हमारा कमीशन वृद्धि का जो मतलब कमीशन था वो बाड़मेर होलसेल भंडार और बाड़मेर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में आज भी जो है वो बाकी। आज हम सभी राशन डीलरों ने यहाँ पर संयुक्त रूप से एक बैठक होकर के मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन जो है वो देने को जा रहे हैं। 11 सूत्री मांग है हमारी। मुख्यतः जो हमारी मांग है वो यही है कि जब हम उपभोक्ताओं को निःशुल्क गेहूँ दे रहे हैं, तो आपूर्ति निगम जो है वो हट धर्मिता से और अपनी मनमानी से किस तरीके से हमसे जो पैसे हैं वो वसूल कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं का राज्य सरकार द्वारा प्रति यूनिट 5 किलो गेहूँ निःशुल्क दिया जा रहा है। यह निर्णय कुछ माह पहले ही लिया गया था, लेकिन अब तक राशन डीलरों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा पैसे वसूले जा रहे थे। ऐसे में अब राशन डीलर सड़क पर उतरकर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूले गए पैसों को वापस दिलवाने की मांग कर रहे हैं।